Hey guys, myself is Lota। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको कुछ सच्चाई बताने वाला हूँ। पहले तो एक थी माई ड्रॉल, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। अभी उससे भी तगड़ा सामान बना दिया कंपनी ने, यह है टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अभी तो देखो डाइटरी सप्लीमेंट में भी टेस्टोस्टेरोन लोग देने लगे हैं कि इससे टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ता है, कि आप टेस्टोस्टेरोन को ऐसे टैबलेट फॉर्म में खा के आप अपने मसल बिल्ड कर सकते हो। टेस्टोस्टेरोन फ्रेंड्स हमारी बॉडी में एक नेचुरल हार्मोन होता है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, जिससे हमारे बॉडी के ओवरऑल मेल फंक्शंस होते हैं, और हमारे टेस्टोस्टेरोन से हमारे मसल बिल्ड भी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम टेस्टोस्टेरोन यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में उतने ज़्यादा जल्दी से मसल गेन होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस कर देता है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कर देता है, हमारे जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं जितना हमारा टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। तो ये कंपनी ने बना दिया है, वेनम लैब्स ने हाइब्रिड M1T टेस्टोस्टेरोन बना दिया है डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में। क्योंकि माइड्रोल तो थी पहले, माइड्रोल ने इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया था, बट इसके ऊपर भी लिखा हुआ था कि आप इसको यूज़ करने के बाद PCT यूज़ करें। तो इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप यहाँ पे आई बटन में जाके उसे देख सकते हो माइड्रोल के ऊपर। तो रही बात, ये मिला मुझे मेरे क्लाइंट से, क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ फ्रेंड्स अपने क्लाइंट्स को। तो मेरे क्लाइंट ने मेरे को ये दिया कि भाई मेरे को किसी ट्रेनर ने, जिसे मैं पहले ट्रेनिंग करता था, उसने मेरे को ये दिया वेनम लैम्स का हाइब्रिड M1T। तो ये है फ्रेंड्स 70 ए मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, इस तरह से कंपनी है। ये टेस्टोस्टेरोन बनाती है टैबलेट फॉर्म में। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप इसे यूज करने के बाद PCT जरूर करें। और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग 21 साल से कम है, कि जिन्होंने अभी तक अपनी मैच्योरिटी अच्छे से रीच नहीं की है, कि जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, जिनकी जो नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन अभी तक उतना मैच्योर नहीं हुआ, अच्छे से नहीं बनने लगा। तो 21 साल तक सभी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल पे होता है, तो मतलब 21 साल तक यार सभी इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उनका जो बॉडी अच्छे से बनने लग जाती है। बट उन्हें इन्होंने बोला कि 21 साल से पहले इसे कोई यूज़ ना करें, ताकि अगर हम उनसे टेस्टोस्टेरोन खिलाएंगे जो 21 साल से पहले है, तो उसके हार्मोन्स में इंबैलेंस हो सकता है। अगर उसके हार्मोन्स में इंबैलेंस हो गया तो सीधी सी बात है बहुत गंदी गंदी प्रॉब्लम्स होगी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये कंपनी है, इसमें है 60 टैबलेट्स, ये है 2200 रुपये की, 2200 रुपये की उसने मुझे बताया था कि 2200 रुपये। तो इसमें इस तरह से रेड कलर की टैबलेट्स हैं। तो ये बोलते हैं कि एक दिन में एक लो वर्कआउट के बाद, या फिर वर्कआउट के पहले, प्री और पोस्ट में आप इसे ले सकते हो। तो भाई जो लोग ऐसी कंपनीज के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जो लोग नेचुरल फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन यूज़ कर रहे हैं ना, नेचुरल बता के ऐसे अंदर टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हैं, तो भाई मेरी बात सुन लो। अगर आप इस तरह के कोई भी सप्लीमेंट ऐसे टेस्टोस्टेरोन वाले यूज़ कर रहे हो ना, कि आप जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, जो ऐसी कंपनीज बनाते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन साफ लिखा हुआ कि ये टेस्टोस्टेरोन है, आपका मसल तो बिल्ड कर देंगे ये लोग, बट आपको जो बाद में प्रॉब्लम्स होगी ना, उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होंगे, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ट्रेनर्स आपको इस तरह की चीज़ें देते हैं कि जिससे आपका एक बार मसल डेवलप हो जाए, उनका सिर्फ मोटिव होता है कि आप वो 1-2 हज़ार अपना बना लें और आपकी थोड़ी बहुत बॉडी बन जाए। बाद की कहानी जो आपको पता चलेगी ना, वो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। ये कंपनी ऐसा बोल दे कि इसे यूज़ करो और आप इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसकी गारंटी ले ले कंपनी। और इसकी रही बात इसकी माइड्रोल की, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, इसमें तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि इसमें क्या कुछ है, बस इसे यूज़ करें और 10-12 किलो वेट बढ़ाएं। और इसकी भी कंपनी कोई गारंटी नहीं लेती है कि इसे यूज़ करने से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है लीजेंडरी मास बिल्डर और इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, रिड्यूस फैट एंड इंक्रीज लीन मसल मास। तो भाई सीधा से ही बोल दो कि ये टेस्टोस्टेरोन है, डाइटरी सप्लीमेंट लिखने की क्या जरूरत है इसके ऊपर, कि डाइट के साथ खाओ डाइटरी सप्लीमेंट। चाहे आप ये यूज कर लो, चाहे आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्टेबल यूज कर लो, दोनों का एक ही काम है। उसने भी सेम काम करना है टेस्टोस्टेरोन, इसने भी सेम काम करना है टेस्टोस्टेरोन। तो इसे आप ना ही यूज करें तो मेरे हिसाब से बेहतर आप लोगों के लिए। तो इसे अगर आप यूज करना भी चाहते हो ना, तो भाई उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो गए। मेरा आप इस चीज़ को साफ मना है, किसी भी सप्लीमेंट को ऐसा यूज़ ना करें जिसके ऊपर टेस्टोस्टेरोन लिखा हो कि ये आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, ये आपके हॉर्मोन्स बढ़ाएगा, ये आपकी बॉडी बना देगा। जो भी सप्लीमेंट होगा मैं आपको बताता हूँ कौन से सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, वे प्रोटीन, मास गेनर, क्रिटाइन, ग्लूटामिन, अमीनो एसिड्स, BCAAs यूज़ कर सकते हो, EAA एसेंशियल अमीनो एसिड्स यूज़ कर सकते हो, एल कार्निटाइन, एल आर्जिनिन, फैट बर्नर यूज़ करते हो। फैट बर्नर्स के वैसे मैं खिलाफ हूँ, बट वो एक ठीक है, आप उसे लिमिट में यूज़ कर सकते हो। ZMA, जिंक, इस तरह के आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो। बट इस तरह के जो टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स आते हैं, जो बोलते हैं कि हम आपके 3 महीने में मसल गेन करवा देंगे, और इसकी तो बात ही खत्म है, इसके ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं होगा।
तो भाई इस चीज को ना यूज करना मेरे हिसाब से। बट यार दिन को चुल होती है ना बॉडी बनाने की, उस चक्कर में वो अपना नुकसान करवा लेते हैं और बाद में मेरे को लोग बोलते हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम सॉर्ट करवा दो। तो अगर किसी ने अभी तक खाया भी है और उसको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि वो प्रॉब्लम आपकी किस तरह से जाए। और आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है, क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमें इस चीज का सोल्यूशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर हुआ मेरे से तो आपको उसके ऊपर जरूर वीडियो बना के दूंगा। तो यदि मेरे को आज की वीडियो, भाई इस चीज को कभी मत यूज करना और ऐसे सप्लीमेंट्स को कभी मत यूज करना जो आपको बोलते हैं कि 3 महीने में आपकी बॉडी बनवा देंगे। तो ये थी कुछ आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इन सप्लीमेंट से दूर रहें प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो जहाँ पे मैं लेटेस्ट पोस्ट स्टोरीज अपनी पोस्ट करता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फ्रेंड हूँ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।